Hey guys, welcome back to my channel. That's Do It With Nikki. This is Nikita Yor, and today is the day 4 of my trip. It is 8:40 in the morning. हमारा 3 दिन का stay हो चुका है जयपुर में, and I have explored most of the places with my family over here, and I've really enjoyed this city. Now I'm off to Udaipur with my family, so we'll quickly do our checkout and then leave. और क्योंकि हम by road जा रहे हैं आज जयपुर to Udaipur, I thought like I'll dress up simple. So I have not even put so much of makeup, just a simple jacket, t-shirt, and this is the comfortable shoes which I have carried for this trip. Jaipur to Udaipur by road, it's almost 8.5 hours road journey, so I hope it gets done. रास्ते में एक ढाबे पर रुके हैं जस्ट टू हैव चाय, सो योर इज माई गर्मा गर्म चाय विच आई एम गोइंग टू एंजॉय नाउ. ये मम्मी पहले नो बोलती है चाय के लिए, फिर मेरा चाय पी लेती है. सुंदर जगह थे ना, बीकानेर, जैसलमेर, वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. शाम के 5 बज चुके हैं एंड वी फाइनली रीच्ड उदयपुर, और यहाँ पर हमें उतरना पड़ेगा गाड़ी से क्योंकि द प्लेस वे वी आर स्टेइंग नियर लेक पिछोला, ओनली ऑटो रिक्शाज कैन गो देयर, गाड़ी अलाउड नहीं है. दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर गाड़ी इज नॉट अलाउड, ओनली हैव टू टेक अ रिक्शा. ये ऑटो जो दिख रहा है इसमें जाने वाले हैं, एंड हमारा होटल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर है. Checked into our room. काफ़ी थक चुके हैं but लेकिन this place is so beautiful. I am really excited to show you all. और एक अलग video बनाने वाली हूँ जिसमें I am going to show this entire beautiful hotel. It is superb. अभी 8:30 बज रहे हैं शाम के एंड वी हैव चेंज्ड आवर क्लोथ्स, गॉट फ्रेशन अप एंड नाउ इट्स टाइम टू गो. और उदयपुर में काफ़ी सारे अच्छे रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स हैं फेसिंग द लेक पिछोला, सो वी आर गोइंग आउटसाइड अ होटल टू चेक वन. जगह का लेन्स काफी पसंद है, सो ब्यूटीफुल, लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ हिल, इट्स सो ब्यूटीफुल. रूफटॉप रेस्टोरेंट एंड दैट्स अ रूफटॉप रेस्टोरेंट ओवर देयर. सो होटल में एक्चुअली मैंने एक कपल को देखा था एंड दे आर फ्रॉम उदयपुर, दे टोल्ड मी टू गो टू सन एंड मून. हां से डिनर खा लिया दो दो रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर एंड वी आर बैक टू द होटल एंड वेरी वेरी टायर्ड. 9th of November, इट्स अ ट्यूसडे एंड राइट नाउ आई एम इन उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स. लास्ट नाइट आई स्लेप्ट एट अराउंड 2:30 और 4 घंटे में ही उठ गई. आई वोक अप एट 7 o'clock बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी द सनराइज एंड द मॉर्निंग ओवर योर. द प्लेस वेर वी आर स्टेइंग राइट नाउ दैट इज जगत निवास पैलेस, वहाँ से द लेक पिछोला लुक्स ऑसम, द व्यू इज अमेजिंग. सो अगर आप इंडिया से हैं एंड यू वॉन्ट टू गो टू सम ब्यूटिफुल प्लेस टू ट्रैवल विद योर फैमिलीज और योर फ्रेंड्स, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कम एंड चेक आउट उदयपुर, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. सुबह के 9:50 हुए हैं एंड वी आर रेडी, ब्रेकफास्ट खा के भी हो चुका है हमारा एंड द ब्रेकफास्ट वॉज डिसेंट इनफ. होटल से निकल चुके हैं एंड वी हैव टू वॉक अप दिस हिल
through these narrow lanes. तो सामने मेरे डैडी खड़े हैं लाइन में. अभी एंट्रेंस टू द सिटी पैलेस इज 300 rupees ईच पर्सन. मेरे हिसाब से आई फील इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. ओनली इफ यू टेक द एंट्रेंस टिकट टू सिटी पैलेस यू कैन गो फॉर द बोट राइड एट लेक पिछोला, बट द एंट्रेंस इज फ्रॉम योर ओनली. द बोटिंग राइड ऑन लेक पिछोला ऑल्सो कैन बी डन आफ्टर एंटरिंग द सिटी पैलेस और प्राइस है 500 rupees पर अडल्ट अप टू 2 PM इन द आफ्टरनून और उसके बाद में इट बिकम्स 800 rupees पर अडल्ट. दिस इज द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द सिटी पैलेस. आपको ये फुल व्यू मिलता है उदयपुर सिटी का यहाँ से. मुझे कुछ चाहिए 900 rupees का एक्सेस हो गया. चलते हैं ना हम लोग 900 rupees का एक्सेस हो गया. 900 rupees का एक्सरसाइज. Finally relief मिल गया. We got our way to the exit और it is very claustrophobic inside. Senior citizen should not go. Yes, because there are too many steps और नीचे ऊपर बुलबुलैया की तरह घूमना पड़ता है. And it took for us 1 hour 30 minutes. Yeah, and we were just waiting to search for the exit. People with leg problems, old people, senior citizens shouldn't be allowed because there's lot of walking and it's not safe. सिटी पैलेस से बाहर आने के बाद इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू द लेक पिछोला यू हैव टू टेक 1 more ticket विच इज़ 30 rupees पर अडल्ट. उसके बाद में ओनली दे विल अलाउ यू टू गो टू लेक पिछोला एंड यू कैन डू द बोटिंग राइड फ्रॉम देयर विच कॉस्ट 500 rupees टिल 2 o'clock एंड आफ्टर 3 o'clock इट बिकम्स 800 rupees पर पर्सन. This is the view that you get of this Lake Pichola from the City Museum entrance. हम होटल आए थे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए एंड नाउ वीव रीटच्ड आवर मेकअप एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट प्लेसेस नाउ. के लिए हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा. गोइंग टू चांदपोल नाउ. और मैं अभी आए हैं फतेह सागर लेक पर एंड वी आर गोइंग फॉर अ बोटिंग राइड ऑन द स्पीड बोट विच कॉस्ट 236 rupees ईच पर्सन. मॉम और मैंने लाइफ वेस्ट डाल दिया है. जस्ट वेटिंग फॉर अ टर्न नाउ. Quite a bumpy ride, but I and my mom are literally enjoying this ride. मजेदार था. It was adventurous ना मम्मी. दो या तीन मिनट में हम लोगों ने पूरा राउंड मार दिया फतेह सागर लेक का एंड इट वॉज ऑसम. रियली एंजॉयड इट. यस, फतेह सागर लेक के बाहर देर इज इवन दिस हॉर्स राइड्स विच यू ऑल कैन गो फॉर. मेरी मम्मी को एक्चुअली जाना है लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू गो. 100 rupees for horse riding. के बाद में वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड एज सहेलियों की बारी. इज जस्ट अ गार्डन इनसाइड और एक सिंपल सा फाउंटेन है और उसका एंट्री है 20 rupees बट आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो इसके बदले वी आर गोइंग टू गो टू मार्केट ना. विल गो टू सम मार्केट एंड चेक आउट सम प्लेस. हैव चिल्ड्रेन और यू लाइक टू गो टू गार्डन आई थिंक यू ऑल कैन गो एंड विजिट दिस प्लेस बट वी वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स.
एक्चुअली उदयपुर काफ़ी चिल्ड आउट प्लेस है एंड द नाइट लाइफ ओवर योर लाइक यू कैन जस्ट चिल ऑन द रूफ टॉप विजिट द लेन्स हैव सम कैंडल लाइट डिनर एन्जॉय द कूल वेदर ना एंड जस्ट लाइक रिलैक्स दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ उदयपुर सिटी. We are now on our way to a ropeway place in Udaipur. This ride is really fun. Actually, a ropeway is used to go to this Karni Mata temple, which is right on top of the mountain. लेकिन हम लोग सिर्फ adventure purpose के लिए जा रहे हैं because you get this whole view of the Udaipur city. अब हमारा टर्न है रोपवे पर जाने के लिए and I, mom and daddy are super excited क्योंकि हम तीनों का first time है ये. Very excited. Don't get scared, okay? काफी फन वाला राइड था ये रोपवे का एंड नाउ वी हैव रीच्ड द टॉप सो हम सिर्फ घूम के टोकन नंबर लेके वापस से फिर नीचे जाने वाले. Is the beautiful view that you get to see from top of. This ropeway was really fun. The only issue was like हमें काफ़ी wait करना पड़ा नीचे भी और ऊपर भी because we had to wait for our token number. Otherwise it was a very good experience. ये है जी वो market, ये वाला आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना तो आप ऑटो भी ले सकते हैं या फिर पैदल भी जाएंगे तो आपका होटल आ जाएगा. After the ropeway, we have come to this market which is famous in Udaipur. It's called as the Hathi Pole Market. So, हम थोड़ा देखने वाले और थोड़ा shopping करने वाले यहाँ पर. मैं और मेरे डैडी एक्चुअली काफ़ी थक चुके हैं बिकॉज वी आर अवेक फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock. हम लोग ने काफ़ी जगह टूर किया है एंड वी आर रियली टायर्ड बट माई मदर हैज लॉट ऑफ एनर्जी. मम्मी को ये बांधनी मटेरियल का कफ्तान पसंद आया है एंड इट कॉस्ट ₹350. ये बात बोलूं डिजाइन आप देखो ना अच्छे लगे तो मेरे को दो दो मैं खोल के दिखा दूं. इसके साथ पिलो के बैक टू द होटल एंड I've got changed. Now we are going to just go to our hotel ka rooftop and enjoy over there because ye hamara last night bhi hai and this is the last night of our trip. Kal hamara dopahar ka flight hai back to Mumbai. So today is the last night that we are going to enjoy over here aur hum hotel mein enjoy karne wale hai. Maybe we'll go to the rooftop. Wahan ka restaurant aur wahan ka view kafi acha hai. So now I'll just go and enjoy myself. Good morning guys. Aaj hai 10th of November. It's 9:15 in the morning aur 1 ghante mein hame nikalna hai yahan se because our flight from Udaipur to Bombay is at 1:30. I'll just go on top, click some photographs, eat some breakfast and then leave. Having chai before we head to the Udaipur airport. Bye Anish ji, thank you. We just landed in Mumbai and now we are going to our home. So that's it for the video guys. Please watch all the vlogs that I have uploaded on my YouTube channel and please subscribe to my channel and please like and share all my videos. I will see you soon in my new video. Until then, be safe, take care. Bye bye.